आप बताओ क्या बात है। इनको ये बोला गया है कि इन्वर्टर खराब है, हम लोगों को पढ़ाई नहीं हो रही है सही से, जिसमें लाइन जाता है उसी में जाना पड़ता है, नहीं तो रुकना पड़ता है, वही एक ही बजे छुट्टी हो जाती है तो क्लास नहीं हो पाता ठीक से। नहीं, एक बजे छुट्टी हो जाती है, हम लोग सर को बोले थे लेकिन बोला क्या अभी इन्वर्टर ठीक करा रहे हैं, बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है। और क्या दिक्कत हो रही है? हमारे ऊपर वाला क्लास जो है ना, वहाँ से सीमेंट गिरता है ऊपर से, छत गिरता है, सारा बच्चा को एक ही क्लास में बैठा, बहुत गर्मी लगती है, सारा क्लास पंखा नहीं होती है, पंखा नहीं है, मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर छात्रों ने सुखराज राय हाई स्कूल में किया जमकर हंगामा। नहीं है विद्यालय के कक्षाओं में बिजली, पंखे और शौचालय की कोई भी सुविधा। भागलपुर सुखराज राय हाई स्कूल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित छात्रों ने विद्यालय में जमकर घंटों हंगामा किया। पहली घंटे की क्लास खत्म होते ही करीब 50 की संख्या में छात्र प्रधानाचार्य के चैंबर में पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा विभाग की व्यवस्था के विरोध में नारेबाजी की। छात्रों का आरोप था कि प्रधानाचार्य की लापरवाही से हम लोग पानी, शौचालय, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। छात्रों का कहना था कि स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था नगण्य है, जिस कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस भीषण गर्मी में भी हम लोगों को बिना पंखे के रहना पड़ता है। वहीं हंगामे की सूचना पर युवा समाज सेवी विजय यादव भी पहुंचे, साथ ही पार्षद प्रतिनिधि रिजवान अंसारी, डॉक्टर अनवारुल हक आदि भी छात्रों की समस्याओं को समझा बुझा कर शांत कराया और प्रधानाचार्य से जल्द मूलभूत सुविधाओं की दुरुस्त करने की बात कही। इस बाबत प्रिंसिपल संजय कुमार ने बताया कि स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था पर्याप्त है, सप्लाई के पानी को टंकी में स्टोर किया जाता है, जिस दिन सप्लाई नहीं आती है उस दिन ही पानी की समस्या होती है। बच्चों से बिजली में दी जाने वाली फीस के फंड से जल्द ही सभी कक्षाओं के पंखे भी लगा लिए जाएंगे। कितना स्टूडेंट रहता था? खराब चल रहा है। आप क्या करते हैं? आपने प्रशासन को खबर किया? आपने नाथनगर थाना को कभी इन्फॉर्मेशन दिया? आप खुद जा करके एसपी साहब से मिलते, बोलते कि हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसा ऐसा हालात है? आपने कभी भी विद्यालय के लिए नहीं सोचा? बच्चों की सुरक्षा का ध्यान में कभी नहीं रखा? आपके विद्यालय कैंपस से आ करके बच्चे चोरी कर लेते हैं? इसी तरह का सर बोले कि आप क्या प्रयास किए? आपने किसी के लिए रिकॉग्नाइज किए सर को, प्रिंसिपल को किसी दिए बच्चे को? किया बच्चा कैसे आएगा, डरेगा बच्चा? अगर बच्चे को आप टीसी दे देते, दो चार बच्चे को टीसी देते तो उसको भय होता कि हमको टीसी मिल रहा है और तभी आएंगे स्कूल। डीओ साहब के द्वारा बोला, हम बोलेंगे सर हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं ना सर, हम लोग तो सर को बोल सकते हैं, टीसी तो देने की अथॉरिटी चेयर को है, तो बोले कि ठीक है। बिल्कुल सही बात है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने आरोप हरदम बालमुकुल जी के ऊपर ही लगाया। हमेशा इस विद्यालय में सर सीनियरिटी जूनियरिटी हमेशा देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं औरों से दो तीन स्टेप नीचे जूनियर हूं, तो मेरे में काबिलियत नहीं, यही मतलब हुआ सर। किनके द्वारा किया जी? ये सर मैं नहीं जानता हूं, जो भी किया गया लेकिन इस विद्यालय में जिनके द्वारा किया।